हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को आप टास्क बार में ऐड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमारा दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन है जो टास्क बार में नीचे यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको दोस्तों आपको ऐड कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ भी है जिसको हमने ऐड नहीं किया है। तो हम चाहे दोस्तों इस एप्लीकेशन को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली दोस्तों जो भी एप्लीकेशन को हमको ऐड करना है सिंपली उसको दोस्तों हम चाहे तो ओपन भी करके ऐड कर सकते हैं या फिर दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओपन में दोस्तों क्या होता है, सिंपली हम इस पर जो भी एप्लीकेशन है जिसे हम नोटपैड को ऐड करना चाहते हैं, तो नोटपैड में दोस्तों हम यहाँ पे डबल क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमको दोस्तों यहाँ पे नोटपैड से यहाँ पे ओपन होने से ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पे नोटपैड यहाँ पे नीचे आना चाहिए। नोटपैड यहाँ पे रनिंग में है तो यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब दोस्तों इस पे हम राइट अपना माउस या फिर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें राइट बटन जो है वो क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिन टू टास्क बार होगा, सिंपली इस पे पिन टू टास्क बार पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम अब यहाँ पे नोटपैड जो है अपना कट भी कर देते हैं, यहाँ से हटा भी देते हैं, तो हमारा जो नोटपैड है वो यहाँ पे टास्क बार में ऐड हो गया। अब दोस्तों हमको बार बार नोटपैड यहाँ पे जाके ओपन नहीं करना होगा, हम सिंपली यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों कोई दूसरा एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेंट है, अब इसको हम यहाँ पे लेना चाहते हैं इसको टास्क बार में, सिंपली दोस्तों इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे टास्क बार में आके इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पेंट यहाँ पे जो है एप्स जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नीचे आप टास्क बार में ऐड हो चुका है। कुछ एप्लीकेशन दोस्तों होता है कि अगर आप सिस्टम में यहाँ पे देखें तो कम ही एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें शॉर्टकट बना के आपको यहाँ पे रखना पड़ता है एप्लीकेशन का, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे सर्च बार पे यहाँ पे क्लिक करके लाना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट वाले यहाँ पे एक बटन मिलेगा, सिंपली इसको हम क्लिक करके यहाँ से देखते हैं हमारा बहुत सारा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो एक एप्लीकेशन है यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। यहाँ पे दोस्तों हम इसको अगर ऐड करना चाहते हैं अपने टास्क बार में सिंपली दोस्तों इस पर फिर से हम राइट बटन को क्लिक करके यहाँ से दोस्तों स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे दोस्तों टास्क बार में आने के बाद इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जब इसे हम इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वर्डपैड का हमारा पास यहाँ पे टास्क बार में ऐड हो चुका है। हम जब चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हमारा जो है वर्डपैड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्डपैड यहाँ पे ओपन हो गया, हमको वहाँ पे जाके सर्च नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से चाहें दोस्तों हम किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार में ऐड कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।